यात्री आते हैं उनके पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था। सिरोही जिले की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की गौशाला को आज हम देख रहे हैं और ये विशाल कैंपस एक ब्लॉक है और इस तरह के तीन ब्लॉक हैं। हम अगर यहीं से शुरू करते हैं तो यहाँ बीमार विकलांग वृद्ध पशु का ये विश्राम स्थल है और ये गौ माता या गौवंश इतना समझदार है कि इनको अगर कोई भी इशारा दिया जाता है तो उसको ये एक तरह से पूरी तरह से फॉलो करते हैं। यहाँ ये बहुत प्राचीन गौशाला या यूँ कहें कि लगभग इसका 18 साल इसको हुए हैं अभी तक। मैं इसकी थोड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि आज गौवंश संकट में है। ये यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो ये भूमि चयन 96 का है, गौशाला शुभारंभ भी 96 की है, गौशाला में गोधन अभी 5200 समथिंग है और यहाँ 195 शेड है और बाकी ये सामान्य जानकारी। लेकिन हम अगर यहाँ से शुरू करें तो ये एक सुंदर गौशाला और यहाँ वृद्ध और बीमार पशुओं का यहाँ ये एक बहुत सिस्टमेटिक गौशाला बनाई है जिसको पावापुरी की ये गौशाला कहलाती है और यहाँ जो भी भक्तजन आते हैं या जो भी भ्रमण के लिए आते हैं उनका यहाँ ये एक सहज आकर्षण का केंद्र बनता है। हम ये सब बीमार वाले ही हैं। ठीक है हमारे आपका क्या नाम है भाई? प्रभु राम जी देवासी और देवासियों का गाय पालन में कुछ विशेष अनुभव भी होता है। गो पालन हम है। अच्छा तो ये इनके सबके मार्क लगा रखे हैं? ये आधार कार्ड बनाए हुए हमारे इनके। ओ हो बहुत अच्छा। अनिवार्य हो गया कि भाई आधार कार्ड लगना चाहिए, रोड में घूमती उसका भी लगाएंगे। अच्छा ये आधार कार्ड लगा दिया, चलिए बहुत खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात है कि पक्के भवन जो मनुष्यों को भी कभी कभी नसीब नहीं होते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं और ये एक बहुत ये प्रेरणादायक गाय है। हाँ जी, नौकार मंत्र का धुन भी चलता है, स्पीकर लगे हुए हैं। अच्छा मंत्र सुनाया जाता है और भक्तांबर सुनाया जाता है। नवकार मंत्र और भक्तांबर, जय गौ माता जय गौ माता, पूरा दिन इनको सुनाया जाता है। हम इनको इनके भाव देख सकते हैं, इनको हम अनुभव कर सकते हैं कि ये गौ माता हमको चलते रास्ते यूं कहें कि हमको आशीर्वाद देती है और लगातार इस सृष्टि पे गौ माता का एक खास महत्व है, कामधेनु कहें या गौ माता कहें। और अगर हम इधर भी देखें तो ये पूरा का पूरा परिसर, हाँ जी ये सब इस तरह के शेड हैं 175। ठीक है ये बैल भी है अपने यहीं तैयार किया। अच्छा ये नंदी हैं, ये यहीं तैयार किए ना, तो इनका उपयोग भी होता है? उपयोग नॉर्मल होता है थोड़ा सा। अच्छा सामान्य रूप से वो नहीं करता। ये सब भक्त हम देख ही रहे हैं, भक्ति का ये अच्छा तरीका। आज से खिला रहे हैं लड्डू। जी अच्छा चलिए बहुत अच्छा। और अगर हम यहाँ देखें इस गौशाला की जो और यहाँ पर ये भगवान की मूर्ति है महावीर स्वामी की। हाँ यहाँ से गाय सुबह जाती है और वहाँ से दर्शन करके फिर वो आगे। क्या बात है तो महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने के पहले खाना नहीं खाते ये लोग। ये लोग मतलब गाय। अच्छा अरे वाह तो सारी गाय इधर से निकलती है? सारी गाय यहाँ से जाती है, दो नंबर वाली दो में जाती है, यहाँ वाली यहाँ आती है। क्या बात है, दोनों विभागों में ये व्यवस्था है। मतलब है कि एक तरह से एक बड़ी ट्रेनिंग इनको मिली है ऐसा लग रहा है। और ये इस तरह के शेड बना रखे हैं अपने आप में। मैं फिर एक देखूं क्योंकि 5000 से अधिक गौवंश को का यहाँ पालन हो रहा है और अभी यहाँ के प्रभारी बता रहे थे कि गौ माता केवल सेवा कार्य बचा है, हम इसको कोई बहुत प्रॉफिट से नहीं जोड़ सकते। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सेवा हो रही है, हालांकि गौ माता से जो मिलता है वो आशीर्वाद के रूप में उसकी तो कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से हम एक बार अगर गायों को और थोड़ा सा नज़दीक से देखें, ये यहाँ मातृत्व का भाव और सारी हेल्दी गाय है। ये देखिए ये अच्छा ये दूध तो बिल्कुल अभी निकाल देंगे। और ये एक इस तरह के तीन ब्लॉक हैं
और इन तीनों ब्लॉकों में 5000 से अधिक गौवंश है और ये एक बड़ी उपलब्धि है सिरोही की। जिस तरह से पावापुरी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कहलाता है, एक तीर्थ है, महातीर्थ इसको हम कह सकते हैं। और इसके मैनेजमेंट का भी सच में तारीफ करनी पड़ेगी कि कई गोपालक इस व्यवस्था को देखते हैं और हम देखें यहाँ गौवंश बहुत रिलैक्स है, निश्चित रूप से रिलैक्स है और भाग्यशाली गौवंश है। और हम देखें तो लगातार जैसा अभी बता रहे थे नवकार मंत्र और मंत्रोच्चार और तमाम बातें हैं, लेकिन गौ माता की ये सम्मान तो गौ माता को मिलना ही चाहिए। और ये देखिए कि बहुत आराम से, मतलब ऐसा यूँ भीड़ भाड़ जैसा भी हमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ बहुत व्यवस्थित रूप से, ये एक ब्लॉक की कहानी है। और इस तरह के बता रहे थे कि तीन ब्लॉक हैं, ये गिर गाय है और पावापुरी की गाय है, लेकिन इनकी मासूमियत भी देखते बनती है। निश्चित रूप से गिर गाय बड़ी संख्या में हमको यहाँ दिख रही है और इनकी सेवा हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम अगर देख रहे हैं, बिन माँ के बछड़ों का लालन पालन बोतल के दूध से होता है। और यहाँ चलिए यहाँ भी हम एक बार इनको पलने में झुलाने का भी एक आनंद ले लेते हैं, वंदन करते। ये देखिए जहाँ गौ माता खुश रहती है वो जगह पवित्र हो जाती है, एक तपो भूमि हो जाती है, एक सिद्ध भूमि हो जाती है। और ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। ये श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ, हम कई बार देखते हैं कि गायों की स्थिति को हम सामूहिक रूप से, सामूहिक प्रयासों से सुधार सकते हैं। ये यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक है और सिस्टमेटिक होना ही चाहिए। हम बस इतना ज़रूर कहेंगे कि गायों की सेवा अगर हमसे बन पड़ती है या हमको जब भी कभी इस तरह का मौका मिलता है तो हमको करनी चाहिए। ये अच्छा, ये बोतल से बछड़ों को दूध पिलावें, ये यहाँ अभी जो भाई बता रहे थे कि इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, ये शायद पहली गौशाला होगी या एक श्रेष्ठ गौशालाओं में इसकी गिनती होगी जहाँ आधार कार्ड की बात कही जाती है। और आधार कार्ड होने ही चाहिए, जब मनुष्य के आधार कार्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ भी एक हम देख रहे हैं कि श्री सुमति जीव रक्षा केंद्र पावापुरी पूजनीय कल्पवृक्ष पौधारोपण, यहाँ कल्पवृक्ष दिख रहा है, ये इस पावापुरी की एक माननीय, ये देखिए 2019 को 8 फरवरी 2019 को अभी अभी की बात है, और श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों से ये कल्प वृक्ष लगाया है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये कुछ मुद्दे होते हैं जिनमें सरकार, समाज और भामाशाह जब मिलकर काम करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। और इसी के साथ यहाँ इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं और किस ब्लॉक में कितनी गाय हैं, कितने बछड़े हैं, कितने बछड़ियाँ हैं, सांड कितने हैं और कुल कितने हैं, इस तरह का अगर ये संपूर्ण नज़ारे को देखेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा। और आज हम इस पूरे विहंगम नज़ारे को देखकर तो एक बात ज़रूर कहेंगे कि गौ सेवा तो करनी चाहिए। और ये एक प्रेरणादायक गौशाला है, इससे हमको प्रेरणा लेनी भी चाहिए और गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी इस वाणी को एक आभार के साथ, एक नमन के साथ, एक साधुवाद के साथ और एक कृतज्ञता के साथ विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता।